अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। विनोद रॉय भारत का पत्रकार है जिन्होंने दूरदर्शन और NDTV इंडिया में काम किया है। उनका जन्म 11 मार्च 1954 को नई दिल्ली भारत में हुआ था। विनोद रॉय की शुरुआती परवरिश दिल्ली की रिफ्यूजी कॉलोनी में हुई। उनके माता पिता सराय के हिंदू थे जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में विनोद ने कई गायन और डिबेट कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्होंने 1980 के दशक के मध्य तक थिएटर भी किए। वो स्ट्रीट थिएटर ग्रुप थिएटर यूनियन के सदस्य थे जो दहेज जैसे सामाजिक मुद्दों के खिलाफ नाटकों का निर्माण और प्रदर्शन करते थे। उन्होंने हंसराज कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की। नवंबर 1974 में विनोद ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले हिंदी भाषा के युवा कार्यक्रम युवा मंच में अपना पहला टेलीविजन प्रदर्शन किया। 1981 में उन्होंने आपके लिए एक रविवार की सुबह की पारिवारिक पत्रिका की एंकरिंग शुरू की जो वे 1984 तक करते रहे। 1986 में वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए सम्मानित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बने। विनोद दूरदर्शन के सेरेब्रल चैनल DD3 मीडिया पर प्रसारित होने वाले शो तस्वीरें हिंदू के एंकर थे। उन्होंने 1997 और 1998 के बीच चैनल के लिए एक एंकर के रूप में काम किया। मार्च 1998 में विनोद ने सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के शो चुनाव चुनौती की एंकरिंग की। वो साल 2002 से 2003 तक सारा टीवी से जुड़े रहे जिसके लिए वह प्रतिदिन एंकर करते थे। विनोद NDTV इंडिया के कार्यक्रम जायका इंडिया का की मेजबानी करते थे जिसके लिए उन्होंने शहरों की यात्रा की, सड़क किनारे बने ढाबों से कई व्यंजनों का स्वाद चखा। उन्होंने द वायर हिंदी के लिए जनगण मन की बात की एंकरिंग शुरू की। अक्टूबर 2017 में विनोद रॉय ने कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपनी बेटी मल्लिका दुआ पर एक अश्लील टिप्पणी करने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार की आलोचना की थी। एक साल बाद अक्टूबर 2018 में भारत की पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक निष्ठा जैन जो गुलाबी यांग के लिए प्रसिद्ध है ने एक लंबी फेसबुक पोस्ट प्रकाशित की जिसमें विनोद रॉय पर उत्पीड़न और उनके साथ एक भद्दा मजाक करने का आरोप लगाया गया। विनोद रॉय ने आरोप का खंडन किया और इसे बेहद बेतुका और निराधार बताया। वो इस साल की शुरुआत में कोविड के साथ अस्पताल में भर्ती थे ICU में और उनकी हालत गंभीर से परे है। उन्होंने अपनी पत्नी रेडियोलॉजिस्ट पद्मावती सिन्हा दुआ को जून में कोविड के साथ लंबी लड़ाई के बाद खो दिया। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।